हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं यार काउंट नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो भी सॉर्टेड एरे के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये याद रखना है कि सॉर्टेड एरे है मेरे पास। तो सबसे पहली जो अप्रोच है, दो अप्रोच हम यूज़ करेंगे। पहली इटरेटिव अप्रोच है, उसके थ्रू देखते हैं कि यार ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी अप्रोच देखेंगे, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे हम इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने इटरेटिव अप्रोच की। तो क्या करना है, बेसिकली मेरे पास ये एरे दिया हुआ है, ठीक है। इसके 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 अंदर जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड वे में है, सारे एलिमेंट सॉर्टेड है, 1, 2, 2, 3, 4। तो मुझे कोई भी नंबर बोल, मैं कोई भी नंबर आपको बोलूंगा। सपोज मैंने बोला 2, तो मेरे आपको बताना होगा कि प्रोग्राम में कि ये जो 2 है वो कितने बार है इस एरे के अंदर। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार आ रहा है यहाँ पे 2। तो नंबर ऑफ अकरेंस कितनी हो जाएगी इस वाले एरे की, ये 2 की, तो 5 टाइम्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 1 कितने टाइम्स है, तो 1 मेरा एक बार है, ठीक है। 3 मेरा एक बार है। उसके बाद अगर मैं कोई ऐसा नंबर दे देता हूँ जिसकी जो कि एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसकी अकरेंस को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, कि वो एक बार भी नहीं है एरे के अंदर, मिला ही नहीं एलिमेंट। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं इटरेटिव अप्रोच के साथ इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन बना लेना है, उसमें एरे पास करेंगे और वो एलिमेंट पास करेंगे जिसे कि हमें सर्च करना है इस एरे के अंदर। तो इटरेटिव वे में क्या यार, लूप चलाना है आपको एरे के ऊपर, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, सीधे फॉर एलिमेंट इन ARR। तो यहाँ से क्या करेगा, ये एरे से एक एक एलिमेंट देता रहेगा एलिमेंट के अंदर। यहाँ से ये एरे है मेरा पूरा का पूरा, ये क्या करेगा, हर बार लूप चलेगा तो ये एक एलिमेंट यहाँ पास करेगा। फिर मैं चेक करूँगा कि ये एलिमेंट क्या मेरा जो एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूँ वही है। अगर ये दोनों मैच कर जाते कि हाँ मेरा वही एलिमेंट है अभी जो मेरे पास है ट्रैवर्स करते टाइम पे, तो काउंट की वैल्यू को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा मैं एक से, ठीक है। उसके बाद अगला वाला एलिमेंट, तो सबसे पहले जब लूप चलाएंगे हम, तो सबसे पहले मेरे पास 1 आएगा एलिमेंट के अंदर, ठीक है। 1 आया, मैंने चेक किया, 1 इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है मेरा, मैंने नीचे फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, जहाँ से मैं इटरेटिव वाले को कॉल कर रहा हूँ। और एक्स की वैल्यू मेरी क्या है, मैंने एक्स की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। एक्स की वैल्यू मेरी है, यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक्स की वैल्यू को कर दिया 2। तो यहाँ से मैं अपना एरे पास कर रहा हूँ और यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ 2। तो यहाँ पे मेरा एरे है और 2 है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो पहली बार जब एरे ट्रैवर्स करेगा इस वाले एरे को, जब ये लूप ट्रैवर्स करेगा इस एरे को, तो पहली बार आएगा मेरे पास 1। तो 1 इज इक्वल टू 2, तो ऐसा तो है नहीं, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर 2 इज इक्वल टू 2, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर ये दोबारा एक और एलिमेंट आएगा नया, 2 आएगा, फिर ये भी मैच हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। फिर इसके यहाँ पे जब आएगा लूप, तो काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब यहाँ पे लूप आएगा तो काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब यहाँ पे लूप आएगा तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर यहाँ पे लूप आएगा तो ये मैच नहीं होगी कंडीशन, बाहर चला जाएगा और रिटर्न कर देगा काउंट। तो काउंट कितना आ गया था मेरा, 5। तो एक बार इसको क्या करते हैं, रन कर लेते। तो मैंने दोनों अप्रोच यूज़ की है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार के लिए अपना ये वाला फंक्शन को अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है। नहीं, इसको चलने देते हैं, मैं प्रिंट वाले को बंद कर देता हूँ यहाँ पे एक बार, ठीक है। अभी दिखाता हूँ इटरेटिव के केस में कैसे होगा। तो अकरेंस ऑफ 2 यूजिंग इटरेटिव अप्रोच इज 5। तो यानी कि मेरा 2 जो है वो 5 टाइम है। अगर मैं अब नंबर चेंज करता हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, एक्स में कर देता हूँ 1। तो 1 कितनी बार है मेरे एरे में, 1 है एक बार, ठीक है। तो 1 आनी चाहिए मेरी काउंट, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, देखो ये सही आ रहा है रिजल्ट। अगर मैं 3 करता हूँ यहाँ पे, तो 3 भी मेरा कितने बार है, एक बार है, तो मेरा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 आ गया मेरा आउटपुट, ठीक है। उसके बाद मैं अगर कोई ऐसा एलिमेंट लिख देता हूँ जो एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मेरा 0 आना चाहिए उस केस में। तो यहाँ पे मेरा देखो आप इटरेटिव के केस में यहाँ पे 0 आ गया मेरा रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, अगर आप इटरेटिव अप्रोच करते हो तो इस तरह से करेंगे हम। ब्रूट फोर्स तरीका है ये करने का, ठीक है। ब्रूट फोर्स से हम इस तरह से सॉल्व करेंगे इटरेटिव वे में। और अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे यार, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो आपको पता है यार बाइनरी सर्च के केस में टाइम लॉग कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग इन होती है। और यहाँ पे मैं एक लूप यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ एफ एन होगी इस वाले की, क्योंकि एक लूप चला रहा हूँ मैं, सारे आइटम्स को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि हम बाइनरी सर्च में करते क्या है, बाइनरी सर्च का मैं तरीका क्या है, सॉल्यूशन क्या है, एल्गोरिदम क्या है उसकी। तो बाइनरी सर्च की एल्गोरिदम क्या कहती है, जो भी आपके पास एरे ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड एलिमेंट निकालेंगे। तो मिड कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ एरे के अंदर एलिमेंट काउंट कर लो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है मिड निकालने का, लो प्लस हाई बाई 2। तो लो को हम इनिशियली यहाँ रखते हैं 0 और हाई को क्या रखते हैं, जो भी एरे का साइज है वो -1, ठीक है। तो सपोज अगर मैं इसको 0 से काउंट करूंगा, एरे का साइज, एरे का भी साइज कितना है, कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि हम 0 से ट्रैवर्स कर रहे हैं इसको, तो 6 हो जाएगा। तो 0 + 6/2 कितना हो जाएगा,
थ्री, तो यानी कि अभी जो इंडेक्स निकलेगा फर्स्ट, तो एरे का जो इंडेक्स निकलेगा यार वो मेरा क्या निकलेगा, टू निकलेगा, ठीक है। इंडेक्स जो निकलेगा वो थ्री आएगा, क्योंकि सिक्स बाई टू क्या होता है, थ्री होता है। तो जो मेरा फॉर्मूला है, सबसे पहले हम जब भी बाइनरी सर्च को अप्लाई करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, अगर हम बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बना रहे, तो सबसे पहले हमें निकालना होता है मिड, ठीक है। हमने मिड निकाल लिया, तो मेरा मिड कितना जाएगा, सिक्स बाई टू, तो इसका मिड क्या होगा, लो प्लस हाई बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, लो प्लस हाई बाई टू। तो लो मेरा होगा जीरो इनिशियली, जब मैं कॉल करूंगा फंक्शन को, तो लो होगा जीरो, और हाई मेरा होगा एन माइनस वन। एन कितना है मेरा, सेवन है, टोटल सेवन एलिमेंट है, सेवन माइनस वन सिक्स, जीरो प्लस सिक्स बाई टू थ्री हो गया। तो थ्री से गिन लो, यह है जीरो, यह है वन, यह है टू, और यह है थ्री। तो यानी कि यहाँ पे होगा मिड मेरा, ठीक है, इनिशियली मिड मेरा यहाँ पे होगा। उसके बाद क्या करूँगा, अब मैं रिकर्जन यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। बाइनरी सर्च विद रिकर्जन कर रहे हैं हम लोग, तो रिकर्जन में क्या करना है यार, दो बार कॉल करना है। अब जैसे कि आपको पता है कि मेरे को टू फाइंड आउट करना है कि कितने टू हैं इसके अंदर, फ्रिक्वेंसी क्या है टू की, ठीक है, फाइव टाइम्स है। अब मेरा मिड यहाँ पे आ गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ इस तरफ लेफ्ट साइड में भी मिड के लेफ्ट में और मिड के राइट में दो बार मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल मारनी पड़ेगी फंक्शन की, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करूँगा, मिड प्लस वन से हाई तक की कॉल करूँगा, एक बार क्या करूँगा लो टू मिड माइनस वन तक की। तो ये अगर मिड है तो इस तरफ कौन सी वैल्यू होंगी, मिड माइनस वन, और ये अगर मिड है तो उसके राइट साइड में क्या होगा, मिड प्लस वन होगा, ठीक है। तो जब हम राइट साइड की कॉल मारेंगे तो उसमें क्या होगा, मिड प्लस वन टू हाई, और जब लेफ्ट साइड की कॉल मारेंगे उसमें क्या होगा, मिड माइनस लो टू मिड माइनस वन, यानी कि लो वाली वैल्यू क्या होगी ये, और जो हाई वैल्यू होगी वो होगी मिड माइनस वन, और राइट साइड के केस में क्या होगी, लो वैल्यू मिड प्लस वन, और हाई वैल्यू क्या होगी, जो हाई होगा आपका एरे का, ठीक है। तो अभी अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके साथ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व, तो इसको एक बार देख लेते हैं। मैं प्रिंट स्टेटमेंट को ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, मेरा एरे है यहाँ पे, ये एरे दिख रहा है मुझे, टू फाइंड आउट करना है, एक्सक्वल टू टू, मैंने एरे की लेंथ काउंट कर ली है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फाइंड अकरेंस करके एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ, उसको कॉल किया, उसमें क्या क्या पास किया मैंने, सबसे पहले पास किया एरे, ठीक है। ये जो जीरो मैंने पास किया है, इनिशियली मैं लो एक वेरिएबल बनाऊंगा ऊपर, उसकी वैल्यू को जीरो मान के चलूंगा कि जीरो इंडेक्स, ठीक है। लो को जीरो लिया है मैंने, हाई को क्या लिया मैंने, एन माइनस वन, ठीक है। जो भी आपके एरे का लेंथ होगा उसका माइनस वन, ठीक है। एक्स क्या है, वो वैल्यू है जो आपको फाइंड करनी है, और एन क्या है, आपका एरे का लेंथ है, ठीक है, टोटल। तो ये मैं वैल्यूज भेजूंगा, उसके बाद फाइंड अकरेंस वाला फंक्शन देख लेते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे एरे लिया है मैंने, जो मैंने जीरो भेजा था यहाँ से, वो मेरा कहाँ पे आएगा, लो में आएगा, और जो मेरा जो मेरी n माइनस वन यानी हाई जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी n माइनस वन, यानी कि एरे की लेंथ अगर सेवन है तो मेरी हाई वैल्यू क्या होगी, सिक्स होगी। फिर x वो वैल्यू है जो हमें ढूंढनी है, जो एलिमेंट हमें ढूंढना है वो x है, और n क्या है, पूरे लेंथ एरे का लेंथ है, यानी कि सेवन, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं एरे के अंदर। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं बेस केस की। तो बेस केस क्या है, अगर हाई आपका छोटा हो जाएगा लो से, तो ये कर देगा रिटर्न माइनस वन। वो मैं अभी समझा दूंगा कि कब किस केस में ये हाई आपका होगा। ये उस केस में होगा जब आपके एरे के अंदर कोई, आप कोई ऐसा एलिमेंट सर्च कर रहे हो जब आपके एरे के अंदर वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो वो वाला केस भी अभी देखते हैं क्या होता है। उसके बाद देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, बेस केस लिख दिया मैंने, अभी बेस केस की बात नहीं करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वाली चीज़, मिड कैलकुलेट करने वाली चीज़। तो मिड निकालना है सबसे पहले हमको, मिड करना है लो प्लस हाई बाई टू। तो लो कितना है मेरा, इनिशियली मैंने यहाँ से कितना पास किया, जीरो, और हाई में एन माइनस वन यानी कि सिक्स पास किया है, ठीक है। तो जीरो प्लस सिक्स बाई टू कितना हो गया मेरा, थ्री हो गया, मिड में आ गया थ्री। अब ये चेक कर रहा है कि ए आर आर ऑफ थ्री इज इक्वल टू एक्स है क्या, ठीक है। तो ए आर आर ऑफ थ्री में देख लेते हैं क्या चीज़ है हमारे पास, जीरो वन टू थ्री, ए आर आर ऑफ थ्री में है टू, और x क्या है मेरा, x भी 2 है, क्योंकि वो एलिमेंट जो हमें सर्च करना है वो x है। तो ये दो यार मैच हो गया यहाँ पे, तो रिटर्न कर दूंगा मैं मिड इंडेक्स, ठीक है, अपना मिड इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा यहाँ से। तो जब मैंने रिटर्न किया मिड इंडेक्स, तो मिड इंडेक्स कहाँ पे चला गया मेरा, यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया मिड अंडरस्कोर इंडेक्स वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इफ मिड इंडेक्स इज इक्वल टू माइनस वन है क्या, तो ऐसा तो है नहीं, माइनस वन तो है नहीं, तो एल्स केस में चला जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, लेफ्ट लेफ्ट, अब ये लेफ्ट क्यों ले रखा है मैंने, मिड इंडेक्स माइनस वन और काउंट इक्वल टू वन। तो यानी कि एक बार तो मुझे वो वैल्यू मिल चुकी है, यानी कि मिड पे जो भी मैंने मेरा मिड निकला, मिड इंडेक्स पे टू रखा हुआ है, जो भी मैं सर्च करता, जिस एलिमेंट को मैं सर्च कर रहा था वो मिड पे मुझे मिल गया, तो काउंट ऑटोमेटिकली वन कर दूंगा मैं, ठीक है। और ये लेफ्ट की कॉल मारने के लिए है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लेफ्ट में ट्रैवर्स करोगे तो मिड इंडेक्स माइनस वन करना पड़ेगा, क्योंकि मिड इंडेक्स क्या है, मिड इंडेक्स पे तो आपको ऑलरेडी एक मिल चुका है और काउंट की वैल्यू को वन कर चुके हो आप, तो अब मिड माइनस वन कर देंगे लेफ्ट की वैल्यू को, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, एक लेफ्ट सब एरे के लिए एक लूप ट्रैवर्स करेंगे। अब हम लेफ्ट सब एरे में ट्रैवर्स करेंगे, क्यों कर रहे हैं, लेफ्ट में और राइट में ट्रैवर्स, यहाँ पे राइट में कर रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट में कर रहा हूँ। अब जो भी मेरा मिड निकला है, अब वो जो मिड मेरे को मिला है यहाँ पे, ठीक है, वो वही एलिमेंट है। अब मुझे तो पता नहीं है कि यार इसके मिड के लेफ्ट, हो सकता है कि मिड के लेफ्ट में भी वो एलिमेंट हो, वो वैल्यू हो जो मैं सर्च कर रहा हूँ, और मिड के राइट में भी वो वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यार मिड के लेफ्ट में भी वो वैल्यू है और मिड के राइट में भी वो वैल्यू है। तो मैं वाइल लूप से दोनों तरफ ट्रैवर्स करूंगा और वो वैल्यू चेक करूंगा कि जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं वो मिड के लेफ्ट में अगर है तो मैं काउंट को बढ़ा दूंगा, उसके बाद मिड के राइट में चलूंगा और मिड के राइट में काउंट को बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो मेरे को मिल चुका है एलिमेंट यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने एक मेरे को एलिमेंट मिला था, तो मैंने मिड इंडेक्स की वैल्यू को -1 कर दिया कि अब मैं एक जो मिड का जो इंडेक्स है उससे एक पहले तक ट्रैवर्स करूंगा, और काउंट को 1 कर दिया क्योंकि एक वैल्यू मिली है। अब ट्रैवर्स कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हाइल लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जब तक लेफ्ट की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, बराबर है, ठीक है, और ए आर आर ऑफ लेफ्ट इक्वल टू एक्स, और एरे के जो लेफ्ट इंडेक्स, जब भी हम लेफ्ट में जाते रहेंगे तो उस जो भी इंडेक्स आएगा उस इंडेक्स पे अगर एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि वो वैल्यू है, मिलती मैच करती मुझे, तो काउंट की मैं वैल्यू को बढ़ा दूंगा और लेफ्ट को एक माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हम उल्टा लूप चला रहे हैं बेसिकली। जैसे ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे, ये मेरा मिड इंडेक्स था, ठीक है, तो मिड इंडेक्स मेरे को रिटर्न हुआ 3, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मिड इंडेक्स की वैल्यू को कम कर दिया, मिड इंडेक्स यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और काउंट हो गया मेरा 1। तो अब मैं जब वाइल लूप चलाऊंगा, ठीक है, 2 जब तक की जो लेफ्ट की वैल्यू 2 है ना वो इक्वल टू 0 नहीं हो जाती है, तब तक ये लूप चलता रहेगा वाइल का। और वो ये भी चेक करेगा साथ में कि जब जब ये पीछे आएगा एक, ठीक है, जैसे यहाँ पे था, अब यहाँ पे है वो वाइल लूप, तो ये चेक करेगा कि यार इस वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है वो क्या 2 है जो हम ढूंढ रहे हैं, एक्स है वो क्या, यानी कि एक्स में वो वैल्यू रखी हुई है, एक्स है, तो क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा और लेफ्ट को माइनस कर देगा। जैसे ही वो लेफ्ट को माइनस करेगा वो फिर पीछे आ जाएगा इस वाले इंडेक्स पे, ठीक है, फिर वो चेक करेगा क्या ये वैल्यू 2 है, काउंट की वैल्यू को और बढ़ा देगा, एक और बढ़ा देगा, तो 3 हो जाएगी काउंट की वैल्यू, और लेफ्ट को एक माइनस कर देगा। फिर वो यहाँ आएगा, फिर वो इस वाले एलिमेंट को चेक करेगा, फिर चेक करेगा कि लेफ्ट की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ये तो 2 नहीं है, तो काउंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेफ्ट की वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब लेफ्ट की वैल्यू क्या हो गई है, लेस देन इक्वल टू 0 हो गई है यहाँ पे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 होगी, तो लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा ये वाला। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि राइट लूप चला रखा है मैंने, एक ट्रैवर्स राइट सब एरे, तो राइट क्या है, मिड इंडेक्स +1, क्योंकि मिड वाला तो मैंने काउंट कर लिया है यहाँ पे, काउंट इक्वल टू 1, और मेरा काउंट की वैल्यू अभी तक कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है, ठीक है, मिड +1, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा ये वाला लूप, तो मेरा जो मिड निकला था वो ये निकला था, तो यहाँ से राइट वाला लूप स्टार्ट होगा। तो फिर वही चीज़ चेक होगी, क्या राइट वाला जो ये एलिमेंट है ये एक्स के बराबर है क्या, हाँ ये एक्स के बराबर, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी। फिर आगे बढ़ेगा, राइट इक्वल टू क्या हो रहा है, राइट +1 कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो ये काउंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं अगर वो वैल्यू मैच करती है, और राइट इक्वल टू राइट +1 कर दे रहे हैं, ठीक है, राइट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। फिर आगे यहाँ आएगा राइट, और काउंट की वैल्यू अभी तक 4 हो चुकी है, फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या ये वही वैल्यू है जो एक्स है, एक्स में हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो ये बोलेगा हाँ ये वही वैल्यू है, मैच हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी यहाँ पे, और राइट एक आगे बढ़ जाएगा, फिर राइट यहाँ पे पहुँचेगा, फिर इसके लिए चेक होगा, ये तो वो वैल्यू नहीं है, ये तो दूसरी वैल्यू है, तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, और लूप एंड हो जाएगा राइट वाला भी यहाँ पे, ठीक है। तो राइट कब तक चलेगा, राइट इज लेस देन एन तक, यानी कि जब जैसे ही वो 7 पे पहुंचेगा, जैसे ही वो आगे इंक्रीमेंट करेगा, तो ये लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, 7 है। फिर नीचे आगे हम लोग इसको प्रिंट करा दे रहे हैं, एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अकरेंस ऑफ 2 यूजिंग बाइनरी सर्च अप्रोच इज 5, ठीक है, दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट बिल्कुल सही है, 5 जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे यार, 5 है जो 2 की अकरेंस है वो 5 बार है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब इसमें 2-3 केसेस और देखते हैं, बेस केस कब आएगा वो सब चीज़ें भी देखते हैं एक बार। अब मैं इसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, 5 तो है नहीं इस एरे के अंदर, तो जब मैं 5 करूँगा तो यहाँ से कॉल होगा, यहाँ से जाएगा 0, यहाँ से जाएगा क्या 6, और यहाँ से जाएगा 5, और यहाँ से जाएगा 7, और यहाँ से ये पूरा एरे जाएगा। फाइंड अकरेंस में चलते हैं, यहाँ पे एरे आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, हाई में एक्स में क्या आ गया, एक्स में आपका आ गया 5, और एन में आ गया आपका 7। अब ये यहाँ पे चेक करेगा हाई इज लेस देन लो है क्या, हाई की वैल्यू क्या है 6 है, लो की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 0 थी, तो बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये अंदर आएगा नहीं क्योंकि हाई ऑलरेडी बड़ा है लो से, ठीक है, लो जो है वो छोटा है, तो इसके अंदर आएगा नहीं, इसके अंदर फिर वो मिड कैलकुलेट करेगा, मिड की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी मेरी 3 आएगी, ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले केस में कैलकुलेट करी थी। अब ये चेक करेगा ए आर आर ऑफ मिड में क्या एक्स है, क्या एक्स की वैल्यू क्या है 5 है,
तो ए आर आर ऑफ मिड 3 है, यानी कि ठीक है, तो 3 कौन सा एलिमेंट होगा, 0, 1, 2, 3, ये वाला जो 2 है ये थर्ड इंडेक्स पे है, ठीक है, 3 तीसरे इंडेक्स पे है, तो ये वैल्यू और एक्स की वैल्यू मैच नहीं होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो मैंने 5 लिखी है, तो ये मैच नहीं हुआ यहाँ से, पिछले केस में क्या था मैच हो गया था और इसने इंडेक्स, तो इस केस में क्या होगा, अभी इंडेक्स रिटर्न नहीं होगा यहाँ से, फिर वो अगला वाला केस चेक करेगा, ठीक है, ये वाला केस चेक होगा कि ए आर आर ऑफ मिड, ए आर आर मिड मतलब 3, ए आर आर ऑफ 3 पे क्या है, ए आर आर 3 पे 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा और इसके बाद वाली जो लाइन है इसको एग्जीक्यूट करेगा फाइंड द करेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिकर्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये है एरे, फाइंड द करेंस ये वाला चलेगा, मिड प्लस 1 यानी कि इसका मतलब क्या है, ये वाली लाइन क्यों एग्जीक्यूट हुई है, अब देखो क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमने चेक किया, अगर वो जो मेरा मिड निकला था, अगर वो वैल्यू जो मिड पे रखी वैल्यू है उसके बराबर होती तो हम यहाँ से सीधे रिटर्न कर देते थे। दूसरा केस हम चेक करते थे कि जो मिड पे जो वैल्यू रखी हुई है, यानी कि 2, अगर 2 बड़ी होती है एक्स से, ठीक है, शॉर्टेड एरे है, याद रखना शॉर्टेड एरे है, और 2 जो एलिमेंट है मिड पे जो एलिमेंट है वो एक्स से बड़ा होता है जिसको कि हम ढूंढ रहे हैं, तो यानी कि क्या है, हम लोग को लेफ्ट में सर्च करना है जाके, ठीक है, समझ रहे बात को, कि अगर यहाँ पे 6 होता, सपोज अगर ये सॉर्टेड एरे है, जैसे मैं 5 सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर होता 6 होते ही है, 6 होता है यहाँ पे, और इसके पहले भी क्या होती, 6 से छोटी चीज वैल्यूज होती, और हम 5 को फाइंड आउट करते, तो 5 कहाँ पे लाई करता, 5 यहाँ कहीं पे लाई करता, लेफ्ट में लाई करता, ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है 2 है, 2 क्या है, वो है छोटा, तो क्या करेगा, छोटा है और सॉर्टेड एरे है, तो यानी कि 5 कहाँ पे होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए 2 के, है ना, तो इसीलिए क्या होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, राइट एरे वाली लाइन, ठीक है। तो ये क्या, इट कहाँ से चलेगा, इसमें मिड प्लस 1 से लेके हाई तक का चलेगा ये, ठीक है। तो फाइंड अकरेंस कॉल किया इसने, रिकर्शन कॉल की, एरे पास किया, मिड प्लस 1 पास किया, मिड कितना था मेरा अभी 3 था, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया, और हाई की वैल्यू कितनी थी मेरी 6 थी, तो 4 और 6, एक्स की वैल्यू 5 थी और एन मेरा 7 था। तो चलते हैं दोबारा से क्या करेगा, इंडेक्स कैलकुलेट करेगा, लो की वैल्यू क्या है मेरी 4 है, तो यहाँ पे देखो इसको, अभी इसको इस केस को रहने दो, लो की वैल्यू कितनी है 4 प्लस हाई कितना है 6, 6 और 4 कितना होता है 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब जो मेरा मिड निकला है, मिड इंडेक्स निकला है, वो मेरा निकला है 5। अब देखते हैं 5 पे क्या वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पे ये वाला 2 है, ये फिफ्थ इंडेक्स पे है, ठीक है, तो 5 पे 2 रखा हुआ है, तो 2 इज इक्वल टू 5 है, एक्स में क्या है 5 है, 5 को ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो ऐसा तो है नहीं, फिर इस यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर ये चेक करेगा कि ए आर आर ऑफ 5 इज ग्रेटर देन एक्स, ऐसा तो है नहीं, ए आर आर ऑफ 5 में क्या है 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 5, तो ऐसा तो है नहीं, तो इस वाले केस में फिर से चला जाएगा राइट वाले में। अब मिड की वैल्यू क्या जाएगी, मिड की वैल्यू मेरी कितनी आई थी 5 आई थी, 5 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, हाई की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है, फिर से कॉल होगा, फिर से मिड कैलकुलेट होगा यहाँ पे, तो लो कितना है मेरा 6 है, हाई भी कितना है 6 है, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 बाई 2 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। ए आर आर ऑफ 6 में क्या रखा हुआ है मेरे पास, ए आर ऑफ 6 में रखा हुआ है 3, जो कि 5 से छोटा है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये मैच नहीं हुई कंडीशन, ये वाली कंडीशन भी मैच नहीं होगी, इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा है, तो वो राइट में बोलेगा कि राइट में मूव करो, हम राइट में मूव करने जाएंगे। अब मेरा जो मिड है वो मिड मेरा 6 निकला है, तो 6 प्लस 1 कितना होता है 7 होता है, और हाई की वैल्यू क्या है मेरी 6 है, फिर दोबारा देखते हैं अब क्या होता है, तो लो में क्या आ जाएगा मेरा 7 और हाई में, सॉरी लो में मेरा यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, हाई में क्या आएगा मेरा 6 आएगा। अब यहाँ ये केस, अब यहाँ पे देखो इसका यूज हो रहा है इस वाले केस का, वैसे तो ये हर बार ही एग्जीक्यूट होगा ये वाला केस, लेकिन अब इसका यूज होगा। हाई में कितना है 6 है, लो में कितना है 7 है, तो हाई इज लेस देन लो हो गया, रिटर्न माइनस 1 कर देगा, रिटर्न जैसे ही माइनस 1 किया फाइंड द करेंस ने यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ पे देखना है मेरे को, तो रिटर्न माइनस 1 करेगा। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं मिड इंडेक्स अगर माइनस 1 होता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अकरेंस ऑफ 5 यूजिंग बाइनरी सर्च अप्रोच इज 0, यानी कि एक बार भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो इस केस में भी 0 आ रहा है, इस केस में भी 0 आ रहा है, करेंस ऑफ 5 यूजिंग बाइनरी सर्च अप्रोच इज 0, तो 0 आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से बाइनरी सर्च चलता है यार, इस तरह से काम करते हैं बाइनरी सर्च के साथ, और रिकर्शन भी आपने देख लिया कि किस तरह से रिकर्शन लगाना है, बहुत ही सिंपल है। मिड कैलकुलेट करो, जो भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, अगर वो मिड पे मिलती है तो रिटर्न कर दो उसको, अगर मिड पे नहीं मिलती है और सॉर्टेड एरे, बाइनरी सर्च की एक और खास बात है कि इसके लिए सॉर्टेड होना चाहिए आपका एरे, अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च आप उस पर नहीं चला सकते, ठीक है। अब आपने कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी, सपोज एरे के अंदर आपको 2 फाइंड आउट करना और सॉर्टेड एरे है, तो ठीक है, तो आपने जैसे मिड निकाला, मिड पे अगर वो वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, 2 रखा हुआ है, मिल गया आपको, तो आप सीधे रिटर्न कर दो। अगर नहीं रखा हुआ है तो आप ये देखो कि जो मेरी मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो
जिसको मैं फाइंड कर रहा हूँ उससे बड़ी है या छोटी है। अगर उससे बड़ी होती है तो आपको लेफ्ट में ट्रेवर्स करना है, और उससे छोटी होती है आपको राइट में ट्रेवर्स करना है। ठीक है, ये है बस इतना सा लॉजिक है इसका, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर बाइनरी सर्च के केस में जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉग एन होती है, और अगर और इटरेटिव के केस में क्या होगी, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो जाएगी इस वाले प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ये वाला जो भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसके केस में क्या होगी, ओ ऑफ एन। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन एम, कोई भी स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसके केस में क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि फंक्शन कॉल हो रही है तो ओ एन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी अच्छी होगी उससे ऊपर वाले के ऊपर वाले से। ठीक है, तो इतना ही था यार इस वाले क्वेश्चन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। अगर अच्छा लगा आपको प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा यार इसके साथ, और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।